ऐसा क्यों कर दे तू? मुझे काट लू दोनों हाथ। मत मत नहीं नहीं चल बता बच्चे के आएंगे कब से तू? 9 महीना। 9 महीना कितने दिन? 9 महीना 9 महीने से इसकी तबीयत कब से खराब है? साथ में कौन आया तू महीने से? तबीयत कब से खराब है? जनवरी से। 9 महीने हो रहे हैं। अच्छा ये बच्चे पर जादू कहाँ से? तुझे शमशान से लाए थे, कब्रिस्तान से लाए थे? जोर से बेस। क्या खदेश? कहाँ रहता था? अरे जल्दी टाइम नहीं मेरे पास, इनके इधर इनके इधर कहाँ रहता था? वहाँ पे इनके उधर उधर ही रहता। कौन सा एरिया है वो? हाँ अरे बच्चे दवा किसने खिलाया इसको? क्या दुश्मनी थी? दवा नहीं। हाँ पेट में कस क्या गया तू? नहीं। हाँ फिर पूरा दबा दूंगा, जरा भी नहीं छोड़ूंगा उसके अंदर। नहीं हाँ बोल। अच्छा तू इसको सुसाइड कराने वाला था क्या? हाँ पावर पावर क्या करने वाला था? सब है मेरे को सब मालूम रहता मुझे। पावर अल्लाह ने दिया इसको, छोड़ना नहीं इसको। कैसा मारना था? एक्सीडेंट करके बीमारी पे डाल के बिल्डिंग पे से गिरा के कैसा? इसे खींचता हूँ ना मैं इसके। क्या खींचता है? जान। अच्छा इसके दिल पे वार कर रहा तू? दिल में दर्द करता उसके? क्या इसके दिल में कुछ था प्रॉब्लम? पूरा हिलता था और पेट है ना डायरेक्ट सब पूरा ऐसे हिलता था। पेट में की दवा को जकड़ लो अंदर से और तेज एक साथ में। हनी आग लगाओ, अब उसको पानी पिलाओ। ओए ओए क्या नाम है? मतलब इमरान। हाँ आगे आओ, इधर गिलास में पानी लो, तरह तरह के पिलाते रहो। ये पिलाओ। उसको निकाल हुआ पूरा निकाल, जल्दी निकाल। चलाओ उसके पेट में आग लगा दो। يا رب من الفاضل وبرحمة الله من الله 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 وبرحمة
उल्टी के पन्निया ना यहाँ रखो बोला था मैंने, यहाँ का यहाँ उठा के लगा देते जाना। ओए पन्नी लगा के रखो, निकालो मत, सफेद कलर के पन्निया यहाँ लाके रखते जाना। भागते जा रहे पन्निया ला रहे, लोगों का हिंची गिरा, दिमाग नहीं चल रहा क्या? झगड़ा उसको तेज से। पूरा कमजोर करके मार दूंगा तुझे मैं। तेरे हाथ मैं ले लूंगा काट के, और वो दोनों हाथों को हम बाहर टांग देंगे। सुने नहीं आ रहा हूँ आपको? कहाँ से आया था? अरे यार कहाँ से, कौन से गांव से? ना कोई गांव। क्या बोल? गांव कौन है? कैसे? हाँ बोल। कहाँ से? क्या दुश्मनी थी तेरी और ये लड़के की? कुछ नहीं रहते क्या? कैसा क्या करा इसमें? कहाँ मिला था तुझे ये? कहाँ, कौन से रास्ते से? दिल्ली के, मुंबई के? कौन, कहाँ से? इसका जादू चलाते टाइम पे क्या देख गए थे लड़के का? और किस चीज में मिला के खिलाए थे इसमें? क्या था वो? मैं एक बार जलाना चालू करूँ ना, रुकूंगा नहीं। अब वापसी का दो टुकड़े करूंगा, करूँ? चल ठीक है, दो टुकड़े करेंगे उसके। नहीं नहीं, बुलाओ बाहर से तेजी से, खतरनाक पहुंच करो उसको, मार जल्दी से तेजी के साथ में, उसको टपड़ाना मुझे। दोनों हाथों को जकड़ लो उसके, आग लगाओ उसके हाथों में अंदर से ही। हाँ बुलाओ तेजी के साथ में, बुलाओ और जकड़ लो उसको। बाप की तरफ के मूर्ति दोनों के भी नहीं। फिर कौन है वो? सामने वाले इनके सामने वाले किनके इनके किनके इसका भाई
अच्छा कहा भाई, क्या दुश्मनी थी? बहुत उड़ते हैं ये, बहुत उड़िए हवा में उड़तो, अरे हवा मध्ये उड़तोस, अरे तुला सोडणार नाही मी, तुला सोडणार नाही, अरे मी बरा बेकार हात, मी लय बेकार हात, इधर देखा ना कैसी मार पड़ती तो यहाँ पे, बाबा बाबा, अरे बाबा सोडणार ला, कैसा छोड़ेंगे तुझे, लोकांचा जीव घेणार आहेत की कोणी आणले होते कशा मध्ये खाव घातलेला? डायरेक्ट पाठवलाय मला, डायरेक्ट सोडलाय. काय घेतले? कुर्ता पॅन्ट चप्पल बाकी काय घेतले होते? मधला छोडणार भावा, सोडणार आहे ए भावा, सोडणार सोडणार तिने का बाई, बाई लोकांची बाई आहे ते नाही देखा ना, कोणच्या धर्माची आहे ते, याला कोणाला सोडणार नाही ती, मुस्लिम आहे हिंदू आहेत की? अरे हिंदू आहेत ती, हिंदू हिंदू आहेत ती. काय नाव त्याच्या? गंगूबाई का? विजयची आई. विजयची आई. यांची त्यांची काय दुश्मनी? अरे लय भांडणं यांची. कशामुळे? ही चांगली आहे, ही मुसलमान आहेत ना, ही कशी अल्लावाली आहे, मोहम्मद निस्ता नमाज पडतो आणि अल्लाला राजी करायला येऊ. उगाच सांगा लागला का त्याच्या आईचं नाव? ते कशामुळे? ते काय त्यांची नाही का भांडणं? तुला माहितीये का याला इच्छा यांची भांडण आहे? भांडणं झाले तर ते कशा कशाला करणार असाल? अरे थांब ना, ऐक ना तू माझा, यांची लय पार्टी फॉर्मलाय, ऐक ना बाबा, ए बाबा ही कशी गरीब आहे, ऐक ना, ऐक ना, यांची ना यांची पार्टी फॉर्मलाय ना, म्हणून याही मला पाठवलाय. याला मी खलास केल्याशिवाय सोडणार नाही, पण तुला काय वाटला? याला ना याच्या वहिनीतला दोघांना मी असा ना घालवणार. ए नको, कशामध्ये खाऊ घातले होते? कोण लोक होते ते? अरे लय वेळा खाऊ घातले. कशामुळे? कशामध्ये? लय काय तुम्ही कशामध्ये घातले होते? लय वेळा दिलाय. काय लय वेळा दिलाय? वाजता काय दिले? लय वेळा येऊ बोला ना, पण हे नमाजी आहे ना, याला लय समजताय ना. काय दिले होते? लय काय पण दिले होते तरीच. ऐक ना तू माझा, ऐक ना, अरे ऐक ना बाबा, सोड ना, ऐक ना, मला मारू काय वाटणार? ऐक ना, आहे ऐक ना, तू मुसलमान मी कोण? याला ना अल्लाला म्हणायची ना, याला बोलून ये ना, तू कसं लोकांचा इलाज करतोस? याला पण लोकांचा इलाज करायचे तिकडं, याचं स्वप्न आहेत. अरे ऐक ना तू माझा, ऐक ना तू, ऐक ना, हे बाबा बाबा बाबा, मी पण मग डेंजर आहे का? मी पण डेंजर आहे. हे बाबा कम करो इसकी डेंजरी और मार जलाओ उस पर डेंजर करके. बाबा मुझे ताकत हम परम भय ते ले उठ दिया. ए सोनार नहीं ना, सोनार नहीं, रूम सुरू पण देणार नाही. अरे रूम येणार म्हणते रूम मध्ये गाडी झगडलो उसको और तेसे जंती आमच्याशी दुश्मनी केले एवढ्याला त्रास देणार आम्ही? कोण कोण आहे? कोण कोणला त्रास देणार? एक ते मेजर, एक तो मास्टर, एक तो ले बाबा, जाता मी जाता. बाबा बाबा ऐक ना, माफ कर बाबा, बाबा माफ कर. आतापर्यंत किती लोकांचे जीव घेतले? तीन तीन. कोणी कोणी लोकांचे जीव घेतले? नाव सांग. एकाला फाशी लावली आता मध्ये मध्ये. कोणाला लावली फाशी तू? किसको जाणल्या? समोरची बिल्डिंग इंचात. काय नाव त्याचं? ती सिस्टरचं नाव. काय नाव? अरे नाव नाही माहिती मला. काय क्या करा तूने उसके साथ में? अरे फास लावला त्याला मी. कसा लावला? दिला लटकून. कोणी म्हणले होते त्याचा जीव घे म्हणून? अरे हे मला लय जण पाठवते. कोण बोला था उसकी जान लोग गए? फिर किसको मारा दूसरे नंबर पे? मत
दूसरे पे किसको मारा? यहाँ बोरला त्रास होता है, तू लोग कौन दिया था अंगठा दाबू? जल्दी बोलो, दूसरे नंबर पे किसको मारा? हाँ किसको मारा? सेकंड नंबर पे किसको मारा? तीन लोग तू कौन आए थे? तीन आता आठवत नहीं खरीद लवर्सी आली कौन होते थे, कुठे राहते थे लोक? एक यांच्या वर फ्लॅट आहे खाली येतो तिथे एकाला फास दिला. कसा दिला? लटकवला. कोण होता ते माणूस? बाई बापे होता. बापे बापे. आणि तिसरा कोण आहे? तिसरा काय नाही. अरे खालच्या बिल्डिंग मध्ये, खालच्या साईडच्या बिल्डिंग यांच्यात. तिथं खालच्या साईडच्या काय करा? तिथं आठवत नाही रे. क्या करा वहाँ पे? अरे ती बारीक पोरगी होती, बारीक पोरगी, तिने ढकलून दिला वरून. किती वय होती तिची? अरे 3-4 वर्षाची बोर रा बारी. कुठून कहा से ढकल के दिया? वरून ढकलली दीदीला. किसके बिल्डिंग से? बिल्डिंग तो कौन मान ले होते थे बारीक छोटे बच्चे की जान ले ढकल के थे उसको बिल्डिंग पे से बोल के? क्या कर रहा था? उसका खून पी के गिरा दिया उसको. उसका खून पीने का था बोल के बिल्डिंग से. अरे पार्टी पहले दिला. अच्छा नीचे गिराने के बाद जो जमीन पे खून गिरा होता पीने का था. तो पोरगी चा काय नाव होता? मला माहिती आहे, विजयाला माहिती आहे ना? विजयाला माहिती आहे. विजया कोण आहे? विजया तो विजया कोण आहे? ओके सांगितलं तुला. कोण आहे विजया? कोण आहे विजया? यांच्यावर जळतो, यांच्यावर जळतो विजया. आता विजया नाम बघतो राहतात नाही झूट बोल रहा. विचार मला, विचार ऐक तू, मला ऐक, मला त्रास काय देतो ऐक ना बाबा. बाबा लय खतरनाक आहेस तू बाबा. तुझ्याकडे नाही यावं परत, एवढं लांबून वरी झालंय तुम्हाला. तुम्ही लिंबू काढणे आला समजा था क्या? लिंबू काढणे याला आकलीतून तू आई का माहिती का? भक्ताकडे गेलती याला विचार, भक्ताकडे गेलती इलाज करायला, काफीकडे गेलती. मग याला आकलीतून तू याला हकल तू ऐक ना. तू हकल ऐक नाही, हकलते किसी को नहीं हकलते यहाँ से. सबका राइट करते बैठ के, तेरे जैसे शैतानों को पकड़ के बन के जमीन में गाड़ देते. अरे ना हकल ना तू, माला आई तुरे सागर समझता है माला आई थी माला आई तू तो अल्लाह वाला है. किसको कब मारने आल था अम्मास में पुन्नम में? आज मैं तो थोड़े दिन बाकी था. कैसा मारने आल था इसको? ये अच्छा छाती में घालना रहता है. हाँ ये छाती में घालना रहता है. अच्छा कब तक मारने आल था अम्मास में पुन्नम में मार देने वाला था? पूछिए अमावस्या येणार आहे अमावस्याला. आता याच्या बहिणीचा नंबर आहे, याच्या भाभीचा नंबर आहे, त्यांना कसं वाचवशील? छान त्यांना कसं वाचवशील? उनपे कोण करा जादू? हा त्याच्या बहिणीला तिकडून जाते. कोण केले त्यांच्यावर जादू? ते त्यांच्या लय जायचे. कोण कोण? तुला माहित आहे माझ्यापेक्षा जास्त, तुला माहित आहे मला शिकवतो. माहित आहे मग तेरचा माणूस पूछवगा ना. मला पाहिजे. हा सांग लवकर. मला पाहिजे. काय त्यांचे जीव कवा घेणार होते ते भाभीच्या आणि त्याची बहिणच्या? त्याची भाभी तर आपल्याला बाहेर पडलेली. हा आणि ते त्याची बहीण बहिणीचा कोण जीव घेणार आहे? यांची त्यांच्यावर दलत्या, यांची त्यांच्यावर दलत्या. यांचे काय नाव आहे? बहिणीच्या बहिणीचं नाव काय आहे? बहिणीचं नाव ना यांच्या. हा अर्बिना शेख, अर्बिना ऍडव्होकेट शेख. नाही नाही रे आईला अर्बिना ऍडव्होकेट इर्शाद भाई शेख साहेबराव. उसू कसं मारने आले? अर्बिना ना फॅक्टर मी करतो पण तिला काय आवडत काय मी नाही करीत. आठवतो वेगळं ये काय कर मारने आले? तिच्या पोटात केलंय मी नाही रे म्हणजे दुसरा शैतान आहे उसपे.
तू तिकडून जाय त्यांच्या घरी ते चार पाच जण आहेत ते तिला त्रास देते म्हणजे काय करतात ते येड आहेत ते माझ्या अर्घ नाही करीत मी एनी टाइम याच्या मागच असतो पण याच्या अंगावर लांबून असतात एन्जॉय एन्जॉय बॉय गाय बहुत होगा तेरा एंजॉय करेंगे तुझे अब जला जला के एंजॉय करेंगे तेरा बाबा तो मुझे नहीं लगा मैं मुझे ठंडी लग रही तेरी पानी से मुझे ठंडी लग रही अच्छा ठीक है तुझे काट मजीर मुंड का काट के बाहर टंगाने लगा उसके साथ में धड़ लेके चल जा फिर तू इसको क्या अजवाला बनाएगा काट दूं तेरी मुंडी टांग दूं बाहर लोगों की गिनती करते हैं ना कितने आ रहे कितने जा रहे मत ना मत मत ना देख इसको अभी देख वो ऐसा तो जा सकता नहीं इसको दवा खिलाया वो किसने खिलाया और किस चीज में खिलाया नहीं वाला खा वो निकालना मेरा काम है मैं बराबर निकाल दूंगा नहीं वाला खा ले तुम्हारी सारी तंत्र मंत्र क्रिया को नष्ट कराता हूं सब बहुत शमशानों से और कहां-कहां से जादू टोने चला के मनमाना कर रहे कमबख्तों मारो ये सब कुछ जकड़ लो आज रात 12 बजे बाद इस पे जंजीर लगा के जकड़ लो कितने शैतान आ दो सब कुछ जला कर राम करने की तैयारी करो तेज एक साथ में बाबा छोड़ना बाबा सुनने नहीं आ रहा मुझे छोड़ना सुनने नहीं आ रहा छोड़ना नहीं आ रहा मेरा तो ना पर कधी जाना ना कधी शपथ कधी जाना मैं कधी जाना ना कधी चुकून पण नाही यांचा ना कोणच्याच नाही ना पाहे ते दुसऱ्यांना ते त्याच्या बहिणी ना त्या हयातला सगळा मारून दाखवतो मी त्या केराला मी तुम्हाला इससे पहले कितने बार तू आया था उसके अंग पे आया था क्या इसके बाद अंग हाजिर हुआ इससे पहले अरे वाह ये चे एनी टाइम आ गया तू भी वाह कितने बार हाजिर हुआ बहुत बार मतलब दस बार शाम को देखा वैसे ना सवाल जवाब हुए कहीं नहीं कहीं हाजिर होकर सवाल जवाब कर रहा हूँ मैं खरा बोलो कार्टूनिस्ट हात झाली घेतलं माझं येडे म्हणून खरा बोललो नाही ते यानं असं घडवलं तिथून आणलं मी यानं यानं म्हणलो तुमच्या पोराला त्रास होत आहे तुमच्या पोराला त्रास होत आहे याला उन्हात उठा सावलीत बसा हे उठवला मी जिंकलो यार कुठं करतोय वली याला शेवटी तुम्ही पण एवढं मोठे यो चांगला म्हणलं बघ याची अवघड आहे सांगाल अल्लाह वाला म्हणलं बघ याची अवघड आहे का याची अवघड आहे बनो इसको कस के बनो जंजीरों से जकड़ो उसको तेज एक साथ में चल तो मत लगा जल्दी जादूगर का हाथ मत लगाओ उठ जाओ जादूगर काका है वो जादू चलाने वाला तांत्रिक काका है वो सावरोली क्या सावरोली सुनने आ रहा सावरोली जोर से सावरोली औरत आहेत माणूस आहेत कोण आहे ते जेम्स जेम्स बुड्ढा आयात मी झालं तू वाईट असं उमर हो गई उसकी अभी ठीक है चलो इसको जंजीर डाल के बांध इसने ही बताया था उसका पता पहले हां के पास अब ले अब खत्म करूंगा ना मैं अब मैं हूं ना बैठे अब इसलिए हूं नहीं ये नस नस में भी नहीं आ रही पेट में जो दवा नाच रही सब बाहर निकाल के फेंकता हूं ना क्या समझा तू निकाली अभी नहीं ऐसा थोड़ी निकालूंगा मैं निकल जा बोल के उसे देखना पड़ेगा ना मेरे को भी तरीके से खींचना पड़ेगा पूरी दवा देखो मार मार के फौज के हाथों से निकालने लगूंगा मेरा काम थोड़ी हूँ निकालना मेरा काम है खाली बताना अंदर कितना रुपया है उनकी ड्यूटी रहती देखो मार के ठेसा बना के निकाल के फेंकते हो बाहर से समझा ना नालायक चल तोबा कर जल्दी उड़ा दो ना हाथ तोबा कर और बाहर निकल तोबा 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 कर जोर से तोबा तोबा आएगा उसके अंदर दोबारा देख अभी मैंने देखो कोई मारने का हुक्म नहीं दिया है अभी देखो कुछ मारे नहीं 1% भी नहीं मारी मेरी फौज ने अगर मन माने करेंगे तो बाद में देखो इतना मारूंगा दूसरी बार तू देखेगा तो
और तेरे दोनों हाथ काट दूंगा फिर मैं हुकुम देके, दोबारा उसके आंख में मुझे दिखना नहीं। नहीं 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 समझ गया ना? नहीं 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 बाकी रहा तंत्र मंत्र की रहा, मैं मेरे हिसाब से काट दूंगा उसके ऊपर जो भी हो। चल तो बाकर यहाँ रहता कि उसको छोड़ के चले जाता। और उसके घर में क्या क्या परेशानियां कर रहा था? क्या 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 बीमारियां सबको, इतने शेयर मार्केट चालू गए, इसका इतना लॉस दिया मैंने, लोग अब प्रॉफिट करके जा रहा ये लॉस में। अच्छा उसके बहन को भाभी को कब मारने वाले? 2 महीने 4 महीने 1 साल 6 महीने कब तक? मुझे नहीं पता लेकिन बहुत ज्यादा। बहन को कैसे मारने वाले? एक्सीडेंट करके सुसाइड करा के बीमारी पे डाल दिया? बीमारी वो तो मुक्तिला है बेटा। अच्छा बतना, मैं बता रहा ना। हाँ और उसके भाभी को? भाभी को छाती में क्या कर रहे हैं? इसके जैसा। अच्छा उसके बहन का जादू चलाते वक्त क्या लिख देते? वो लोग लेके लेते मेरा कुछ। अच्छा उसके बहन को कहीं में खिलाए? वो लोग इधर लेके आते वो उसने खाया। अच्छा तू इसे घर को पूरा तबाह बर्बाद कर रहा था क्या? इकोनॉमिक कंडीशन से कमजोर कर दे रहा था। ट्रेलर है ट्रेलर। अच्छा अब मैं आता हूँ जरा पिक्चर देखने को, कैसी दिखा रहा था इसको मैं पिक्चर बताता तो मैं देखता हूँ बर्ड की पिक्चर, सारी सिनेमा जल जाती हूँ। ये सोचते रहता हमेशा ये मेंटल की गोली छोड़ा मैंने इसको, दोबारा दिखना नहीं मुझे। भाग जा पूरे तरीके से। कैसा जाता तू और कैसा नहीं जाता सब मेरे को मालूम है। कैसा निकाल के फेंकता हूँ तेरे को नस नस में से वो भी देख तू। मारना निकालना मेरा काम नहीं है, बताना है। मारना फौज करेंगे सब तुझे, निकालना है सब बन के नाला। छोड़ दिया बस भाग भाग जाता हूँ। दोबारा दिखना तो कैद करके बाटल में डाल के कोंड के रखूंगा, शीशी में डाल के। छोड़ो उसको हाथ मत लगाओ, छोड़ो दौड़ के निकल बच्चे को। हाँ निकाल मोहम्मद। हाय मोहम्मद। ये लो कैमरा तुम्हारे, इस सुबह शाम दो टाइम मुंह पे मार करना, पानी बढ़ाओ उसमें और बड़ा बड़ा मार करना। ये दुआ का पानी है 7 बार इधर कुर्सी। ए कैमरा इधर ध्यान दे, 7 बार इधर कुर्सी, 7 बार चारों फुट पड़ के पानी के ऊपर दम करते जाना और पिलाते जाना हर नमाज से बस ज्यादा से ज्यादा। और 4 दिन में एक बार 100 बार इधर कुर्सी, 100 बार चारों फुट पड़ के दम करना पानी पे, पिलाते जाना ज्यादा से ज्यादा। तुम्हारे अपनी आंग में आके सब बोल के रहा, अभी बहुत दास्तान चली है, तुम्हारे पेट में अटका अलग कौन कर रहा क्या करा कुछ याद है क्या? अभी यहाँ कुछ सवाल जवाब देते तो मुझे सुनाई दे रहा, सुनाई दे रहा था ऐसा, मतलब ऐसा बता रहा था कि जैसे कि मतलब मैं ही सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा पता चला था कोई और बोल रहे लेकिन वहाँ पूरी दवा से अटका वाली पेट में पी रही कल खींच रहा था। फिर मैं पढ़ रहा था जकड़ों को रहा था तो क्या हो रहा था वहाँ पर? बहुत खींच रहा था पेट, जैसे मुझे घर पे तकलीफ होती है दवाखाने में जाते हैं तो वैसा डायरेक्ट खींच रहा था। और उसके बाद में दिमाग पे चढ़ने वाली दवा है तो स्वास्थ्य दिमाग पर चढ़ने की वजह से कंट्रोल वो नहीं रखे दिमाग का, पूरा ऐसा करा दे रहे थे कि बावरान बावरान बना के खत्म करने को करे थे। कौन करे क्या करे एग्जैक्ट वो तो उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत बातें बोला। अब तुम जानो, तुम्हारी दुश्मनी जानो क्या थी, मुझे तो उतना पता नहीं, मैं तुम्हारे थोड़े बाजू में रहता हूँ ऑनलाइन क्या चल रहा है। तो जो भी दास्तान है और भी बहुत सारे बातें बोला तुम्हारे भाभी के बारे में, हमारे और बहन के बारे में, और उसके बाद में क्या 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 चल रहे थे उसके दास्तान है
इबादत करने नहीं देता बोल रहा था, हमारी जितने पढ़ने था पंजीजन पाक के शाम में गुस्सा ही करता है क्योंकि मुझे तकलीफ हो। अब कैसे मार पड़ी यहाँ पे ऐसा, अभी तो खाली उसको 1% ही मारे, अभी उसको मौका दिए सुधरने का, नहीं सुधरा तो बाद बहुत बुरा मारेंगे उसको, मार मार के भस्म करेंगे पूरा। और ये ऐसे दास्तान एक दूसरे के ऊपर नहीं करना, नहीं करना बिल्कुल बहुत बुरी बुरी बात है। क्या बोलूँ मैं, बोलने को तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे सब ऐसे आलम देख के। लेकिन इबादत देखो, बार बार वो भी कह रहा था कि इबादत नहीं करने दूंगा, मैंने दुनिया को कहानी किस्से नहीं सुनाया, मेरे सामने जो आए प्रैक्टिकल में बता के अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने कुरान की ताकत से कलाम इलाही मौजूदों से अल्लाह ने बताया तुम्हारे सामने प्रैक्टिकल में, इस वास्ते बताने लगा अल्लाह ने कि तुम ताकि देख कर होशियार हो जाओ और आगाह रहो ये सब बातों से। जब जब जुल्म बढ़ जाता फिर उसको मिटाने वाले को पैदा करता अल्लाह, जब जब ज़्यादा ज़्यादा टोना पड़ेगा तो फिर अल्लाह उसकी तरफ से भेजता ना हटाने वाले। तो तुमको बता दिए कि तुमको प्रैक्टिकल में बता दिए कि इबादत इबादत इबादत, नमाज कुरान हदीस ये सब चीज़ें तुम इबादत के रस्सी को अगर मजबूती से थामेंगे तो तुम पर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, और जादू टोना चलने के बाद तुम इबादत की रस्सी को पकड़ने देंगे तो शैतान वहाँ तक जाने नहीं देते, क्योंकि उनको शैतान को तकलीफ होती है कि वो बलाओं को पत्रों को करनी कौटाल को, तो क्या करते तुम अपनी बस भगाते, वो दिशा में नहीं जाने देते, उधर जाने का नाम लिए कि घबराहट होती, बेचैनी होती और तकलीफ होती, इस वक्त भाग जाता पेशेंट, नहीं पड़ता इबादत शैतान के साथ मिलकर नाश्ता। तो इसलिए बेहतर है तुम पहले से इबादत की रस्सी को मजबूती थाम के रखो, तुम नमाज पढ़ो हदीस पढ़ो कुरान पढ़ो तो तुम महफूज रहेंगे, तुम अल्लाह की हिफ्ज़ो अमान में रहेंगे। सातों जमीन और सातों आसमान में ऐसी कोई ताकत नहीं है किसी के माने ऐसा बेटा ना औलाद ने जेनी जो आके तुम्हारे जहमत दे दे। अगर तुम सूरह यासीन फजर के नमाज के बाद पढ़ेंगे तो शाम के 6 बजे तक तुम्हारे कोई आके जहमत नहीं दे सकता, ना दुनिया की ताकत ना आसमानी बलाएं ना जादू टोना ना इंसान ना मशीनरी कोई तकलीफ नहीं दे सकता तुमको। अगर तुम रात के वक्त सोते वक्त मगरिब के बाद में सूरज डूबने के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेंगे एक बार, 5 मिनट लगेंगे तुमको पढ़ने को, 10 मिनट लगेंगे, मगर तुम्हारे पूरे 12 घंटे रात के जितने भी रहेंगे घंटे तुम्हारे पूरे महफूज रहेंगे। तुम शाम के 6 पढ़ेंगे तो सुबह के फजर के 6 तक सूरत निकले तक तुम महफूज रहेंगे, अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। और जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया तो सातों जमीन और आसमान में कोई माँ नहीं, कोई चीज नहीं, और किसी माँ ने ऐसी औलाद नहीं देनी जो फिर आके तुमको जहमत दे सके, जब अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी लिया। और जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो मकड़ी की चादर तान देता, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राहा दे देता, वरना एक मच्छर भी जान ले लेता। ये सब वाकई है, मुकद्दर में अगर मौत ना लिखी हो तो समंदर भी राहा दे देता, मूसा अलैहिस्सलाम को राहा दे के उस पार निकालने लगा था अल्लाह ने। जब हिफाजत की ठान लेता तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गार पर मकड़ी को भेज कर चादर तानने लगा दिया था, और मामूली मच्छर भी जान ले लेता अगर मौत मुकद्दर में लिखी है तो। नमरूद के नाक में से मच्छर घुसा था और कितना बुरा आलम करके उसका मारा था, जबकि नमरूद को वो रुतबा दिया था नमरूद को। देखो इब्राहिम खलीलुल्लाह जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया था, और उन्होंने उसके दरबार में पहुंचे और उन्होंने कहा कि इब्राहिम तू सब दुनिया मुझे मानती है खुदा, नौज़ बिल्लाह तू क्यों नहीं मानता खुदा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खलीलुल्लाह ने कहा कि ठीक है मैं तुझे मानूंगा खुदा, मगर मशरिक से जाकर मगरिब में सूरज डूबता तो तू मगरिब से तख्त से उठ के खड़े होगा, तो सूरज तू मगरिब से नहीं निकाल सकता तो तुझे खुदा कैसा मानेंगे, मेरा खुदा निकालता बोले मगरिब से भी निकालता मशरिक से जिधर से बोले उधर से निकाल सकता। तो नमरूद ने क्या बोला, जा तेरे खुदा से कह दे, जा इब्राहिम खलीलुल्लाह तेरे खुदा से कह दे कि नमरूद से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, नऊज़ बिल्लाह नमरूद का कहर करते खुदा पे नाजिल होगा, जाओ कह दो तेरे खुदा से इब्राहिम तैयार हो जा फौज लेके, नमरूद का कहर नाजिल होने वाला है, नमरूद उसकी फौज लेके हमला करने वाला है। इन्होंने बोले ठीक है बोलता मैं अल्लाह को। देखो यहाँ इब्राहिम की उनकी सबकी जिम्मेदारी अल्लाह ने लिया लिए, इतने बड़ा बादशाह का उसको वो दिया था अल्लाह ने, बाद में क्या हाल होता उसका। शहर में जब दाखिल होते थे तो नमरूद को सजदा करना पड़ता था, सजदा करे बगैर नमरूद को कोई शहर में दाखिल नहीं होता था, उसने सब खुद ही दावा करता था पूरी दुनिया पे हुकूमत, उसको सजदा करना फिर आगे बढ़ना शहर के अंदर जो भी दाखिल होता। बाद में जब उन्होंने खुदा से जंग करने का कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह दे तेरे खुदा से तैयार हो जाए जंग करने के लिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कह रहा कि नमरूद का कहर तेरे खुदा पे नाजिल होगा, नऊज बिल्ला मिन ज़ालिक, फिर क्या हुआ मालूम। ठीक है इन्होंने बोले ठीक है मैं अल्लाह को जाके बोलता, इन्होंने निकल के दरबार में से उसके आए और आके अल्लाह को बोले, या अल्लाह इब्राहिम या अल्लाह उन्हें बोलता है नमरूद कि तुझसे जंग करता करते और तेरे पर उसका फौज लेके कहर नाजिल करता। तो अल्लाह ने कहा ऐसा ठीक है, अल्लाह को बोलता बोल रहा हूँ अल्लाह की फौज तैयार रखो उन्हें जंग करने आ रहा,
अल्लाह ने 18,000 मखलूक में से 18,000 मखलूक में से कोई ताकतवर मखलूक को हुक्म नहीं दिया। सबसे अदना और सबसे आला मच्छर जिसको मसल देते लोग मच्छर बोलते जो, वो मच्छर को हुक्म दिया, उसमें से भी माजूर मच्छर लंगड़ा, और अल्लाह ने कहा कि जाओ नमरूद को धूल चढ़ाओ। मच्छर गया नाक में से घुसा दिमाग में जाके पटका, दिमाग में पटका कि घूम करता था कि वो सिर को मारता था तो उसको राहत मिलती थी सिर को मारने के बाद, मच्छर थोड़ा शांत हो जाता था। बाद में नमरूद ने मार मार के हाथा दुखने लगे तो जूता उठाया, उसको जूता मिला सिर पे मारा तो आराम लग रहा, पूरे दरबारियों को हुक्म दे दिया सिर में जूता मारो तो आराम लग रहा, सबके हाथ दुखने लगे जूता मार मार के। बाद में कहा कि मेरा तख्त ले जाके चौरस्ते पे रखो और शहर में जो भी दाखिल होगा 10 जूते सिर में मारना आगे बढ़ना, 10 जूते सिर में मारना आगे बढ़ना। पहले क्या रुतबा था? सजदा करना आगे बढ़ना। ये सब अल्लाह ने दिया लिशान रहती, उन्हें अपने आप को नौजबिल्ला खुदा समझा था और खुदा से लड़ने निकला, और बाद में अल्लाह ने एक मामूली लंगड़े मच्छर से उसकी उसकी औकात बताने लगाया कि ऐसी कि सिर में 10 जूते मारो और फिर आगे बढ़ो, 10 जूते मारो आगे बढ़ो। कितनी जलालत की मौत देके उसको मारा, तो ऐसा है। इस वास्ते तुम इबादत की रस्सी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कसम मजबूती से थामे थे, वैसा मजबूती से थामो तो फिर अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, और जब अल्लाह हिफाजत की ठान लेता तो फिर कोई दुनिया की ताकत और कोई जमीन और आसमान में की ताकत तुमको सहमत नहीं दे सकती, समझ गए। इस वास्ते अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा सब लोगों को अमल करने की तौफीक दे। इबादत, नमाज, कुरान, हदीस, नमाज के पाबंद बनो, 4 दिन और 8 दिन उठ के फजर की नमाज पढ़ो, 90वें और 10वें दिन तुम खुद नहीं सो सकेंगे, तुम्हारी रूहानी ऐसा उठा के तुम्हारे तड़पाते हुए नमाज के हास्ते ली जाती खुद, और नहीं पढ़ेंगे तो दिल नहीं लगेगा तुम्हारा, बेचैन रहेंगे दिन भर अगर आदत हो गई एक बार तो, और 8-10 दिन पढ़ो खुद आदत हो जाती खुद तुम्हारी, खुद रूहानी ली जाती तुम्हारा, चलो 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 नमाज पढ़ने। और जो रहती ना रुक जाए नमाज से, रुक जाए नहीं जाने का, चल अभी टीवी देखने जाएंगे, चल पिक्चर, वो तुम्हारी नफ्स है उस पर तो काबू पाओ, नफ्स पे तो सब अल्लाह के वलियों ने और सब पैगंबरों ने काबू पा के उर्दे पाए, नफ्स को कंट्रोल करो। नफ्स बोलती के आराम देख, सुकून देख, कई नमाज पढ़ता जान दे कल पढ़िए, वो जो रुकाती वो तुम्हारी नफ्स रहती, जो चलो चलो नमाज बोलती वो तुम्हारी रूह रहती। रूह को पावरफुल बनाओ, रूह को रूह की गिजा दो, जिक्र अस्कार इबादत, तो तुम महफूज रहेंगे जादू टोनों से, सब चीज़ों से। तो जादू टोना इंसान के जिस्म पे नहीं चलता, रूह पे चलता, रूह तुम्हारी मजबूत रहेंगी तो सबको मार पड़ेगी। और मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा कि मेरे को तजुर्बा है, मैं किताब पढ़े वाले किताब में के दास्तान ऐसे नहीं बता रहा, मैं तुम जो प्रैक्टिकल में देखा वो बता रहा हूँ कि तुम ये सब चीज़ों से महफूज रहेंगे, नहीं तो फिर न जो ना मांगे सीख वो मांगे दर दर भीख। जितना जरूर होंगे।